नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल फैक्ट्स इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे गुलाब के फायदों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर वन, गुलाब में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट होता है। गुलाब की पंखुड़ियाँ से बने गुलकंद खाने से हड्डियाँ मजबूत होती है। गुलाब की कुछ पंखुड़ियाँ पीसकर समान मात्रा में मलाई मिलाकर होठों पर नियमित लगाना चाहिए, इससे होठों का कालापन दूर होता है। गुलाब के अर्क में नींबू का रस मिलाकर दांत पर लगाने से दांत ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, कान में दर्द होने पर गुलाब की पत्तियों के रस की थोड़ी बूंदें कान में डालने से कान के दर्द में राहत मिलेगी। दोस्तों, अगर पेट की बीमारियों से परेशान है तो इसका गुलकंद काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। गुलाब के गुलकंद शरीर को ठंडा रखता है। इसे खाने से पानी की कमी पूरी, थकान और पाचन से जुड़ी समस्या दूर हो जाती है। गुलाब तकिए के आसपास रखकर सोने से तनाव दूर और नींद अच्छी आ जाती है। दोस्तों, आँखों में गर्मी के कारण जलन हो या धूल मिट्टी से आँखों में तकलीफ हो तो गुलाब जल से आँखों को धोने से आराम मिलता है। गर्मियों में अगर सिर दर्द रहता है तो गुलाब को पीसकर उसका लेप माथे पर लगाने से सिर दर्द गायब हो जाता है। दोस्तों, हम गर्मियों में भोजन करते हैं। भोजन करने के बाद पान में गुलकंद डलवाकर खाना चाहिए, इससे माउथ फ्रेश होने के साथ खाना भी जल्दी हजम हो जाता है। इससे पेट की कुछ भी समस्या हो तो उससे राहत मिलती है। गुलाब के फूल की पंखुड़ियाँ से मसूड़े और दांत मजबूत होते हैं। दांतों की बदबू दूर होती है और साथ ही पायरिया की बीमारी से भी छुटकारा पाया जा सकता है। दोस्तों, शरीर में जलन होने पर या हाथ पैर में जलन होने पर गुलाब जल का चंदन में मिलाकर इसका लेप लगाएं, उससे जलन में जल्दी राहत मिल सकती है। मुंह में छालों से निजात पाने के लिए सुबह सुबह गुलकंद का सेवन जरूर कीजिए, इससे मुंह के छाले जल्दी ठीक हो जाएंगे। किसी को लू लगने पर ठंडे पानी में गुलाब जल मिलाकर माथे पर पट्टी रखिए, इससे जल्दी ठीक हो जाएंगे। टीबी से होने वाली कमजोरी को दूर करने के लिए गुलकंद का नियमित सेवन करना अच्छा रहता है। तो दोस्तों, ये थी गुलाब के कुछ फ़ायदों के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट में कैसी लगी वीडियो आपको ज़रूर बताना। और दोस्तों, यह वीडियो अपने दोस्तों और कुटुंब परिवारों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।